टीवी एक्टर करण कुंद्रा को वैसे तो कोई भी रीजन नहीं चाहिए ट्रेंड होने के लिए, क्योंकि उनके फैंस उन्हें बहुत प्यार करते हैं और वो प्यार दिखाते भी रहते हैं। लेकिन अब करण कुंद्रा ट्रेंड होते नजर आए क्योंकि उनके शो इश्क में तेरे घायल में फाइनली वीर ओब्रॉय, जो कि करण का कैरेक्टर है, उसकी लव स्टोरी स्टार्ट होने जा रही है। एक नया प्रोमो आउट हुआ है इस शो का, जहां पर देखा जा सकता है कि जो ईशा है वो अरमान से बोलती है कि जब से अरमान उसकी लाइफ में आया है तब से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है, क्या वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकता है। जिसके लिए अरमान कहता है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और ईशा अपने भाई की इस हालत को देखकर बहुत परेशान होती है। लेकिन वहाँ पर वीर की एंट्री होती है और वीर कहता है कि वो इतना स्ट्रांग है कि वो ईशा की हर तरीके से मदद कर सकता है, और अरमान को छोड़कर ईशा वीर को गले लगा लेती है। इस आने वाले नए ट्रैक के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ अरमान और ईशा की केमिस्ट्री दिख रही थी, लेकिन अब दिखने वाली है वीर और ईशा की केमिस्ट्री। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, करण कुंद्रा के जेलर वाले रोल को, जो कि उन्होंने कंगना रनौत के शो लॉकअप में निभाया था, उसे फैंस ने बहुत पसंद किया था। एज जेलर करण कुंद्रा ने बहुत से कंटेस्टेंट्स की हेल्प भी की थी। इस बात को एक साल हो चुका है और इसी बात को सोशल मीडिया पर फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। वन ईयर ऑफ बैड एज जेलर करण ट्रेंड भी कर रहा है। इसके साथ साथ करण कुंद्रा ने हाल ही में एक वीडियो ड्रॉप किया था अपने होली एड शूट का, जिसमें रूबीना और निशांत भट्ट सभी को देखा जा सकता है। इस एड को लेकर भी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आपको बता दें, करण कुंद्रा को हाल ही में सेट पर सरप्राइज करने के लिए पहुंची थी तेजस्वी प्रकाश।